नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की व बैंक खातों को सीज कर नुकसान की भरपाई करेगा प्रशासन। पुलिस ने किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को अम्बाला पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी व हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इसका आकलन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पहले ही इस संबंध में आमजन को सूचित किया गया था कि आंदोलन के दौरान पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति व बैंक खातों को सीज करके वे कुर्की कर की जाएगी। किसान नेता के नोटिस, घर, चस्पा, संपत्ति की जानकारी मांगी। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान मजदूर मोर्चा के सदस्य अमरजीत सिंह मोड़े के घर पर पुलिस का नोटिस चस्पा किया गया है। इस नोटिस को किसानों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये नोटिस एसपी अम्बाला की तरफ से जारी किया गया है और इसमें लिखा है कि अमरजीत सिंह मोहड़ी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस नोटिस में कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है, ऐसे में प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा बिना अनुमति के आंदोलन में शामिल होने पर अमरजीत सिंह मोहड़ी की संपत्ति से भी भरपाई हो सकती है। इसमें मोहड़ी की संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी मांगी है। भड़काऊ उकसाने वाले भाषण देने वाले किसान नेताओं को नजरबंद करने की कार्यवाही। प्रशासन के अनुसार शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान लगभग 30 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई। वह एक पुलिस कर्मचारियों का ब्रेन हेमरेज व 2 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार इस आंदोलन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका में है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके अनुसार लगातार सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से भड़काऊ व उकसाने वाले भाषण देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के खिलाफ गलत शब्दों को भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 2 का भाग 3 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 NSA एक्ट तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही है ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके व सामाजिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी और वो कितने दिन बाद में मानेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए। इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है। दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। हाँ, गोली लगी है, एक किसान के भी गोली गए, दुखद घटना है और आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है वो गलत है। और एसकेएम जो है वो एसकेएम देखो हमारा तो पूरा सपोर्ट है। एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट उन किसानों के साथ में और हमेशा हम रहते हैं। हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हमने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन थे, ट्रैक्टरों के साथ में थे। परसों भी हमारी हर रोज मीटिंग है और जो ये अत्याचार हो रहा है और जो एसकेएम के सवाल है हमारे सबके मुद्दे एक है किसान के। अभी जो मीटिंग यहाँ पे तय होगी उसी के आधार पे काम करेंगे। हमने सबको कहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियां सब आपस में काम करना चाहिए, इकट्ठा सब अपना काम करें। किसान का इशू है तो फिजिकल रूप से वहां पे जाना है, बात से सपोर्ट करनी है, बातचीत में शामिल होना है, क्योंकि जो वहां की कमेटी है उसने ही आंदोलन शुरू करा है। कमेटी ने वही सरकार से बातचीत कर रही है। हमने कहा कि वो कमेटी भी अभी इनकी बातचीत हुई होगी तो क्योंकि एसकेएम की कोई बातचीत हुई है या दूसरी जत्थेबंदी की बातचीत हुई है तो बिल्कुल सबको साथ जाना चाहिए। जो शुगर के प्राइस में हाई किया गया 5 रुपए, 5 नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कोई फार्मर भी वो भारत सरकार ने रेट बढ़ाया है उसका पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में तो उससे ज्यादा रेट होती है, पंजाब में भी ज्यादा है, हरियाणा में भी ज्यादा है, लेकिन इन पैसों का फायदा जो साउथ के हमारे स्टेट हैं उनको इसका फायदा रहता है। भाई 5 रुपए बढ़ा दिया, अगर देश के किसानों को 5 रुपए बढ़ा है मिला है ये वहां को मिलेगा। यहाँ तो पंजाब में तो पहले ही ज्यादा है, पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट देती है
स्टेट गवर्नमेंट का जाते हैं, यहाँ पर तो 391 के आसपास यहाँ का है, हरियाणा में उससे कम है, उत्तर प्रदेश में 370 के आसपास। कैसे बढ़ाओगे, खाद बीज महंगा करके फसल के रेट कम देके, ये किसान अपने आप बन जाएगा, सारा दाता बन जाएगा। आप MSP गारंटी कानून दे दो, व्यापारी आते में फसल लूटता है और बना रहे ऊर्जा दाता, भाई फसल लूट ली, मतलब व्यापारी से उनको फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही, किसान के से छीन कर उनको दे रहे, वो नहीं बताने के कि व्यापारी को हम कानून बनाएंगे और व्यापारी से जो लूट मच रही है वो देंगे, और जो MSP के नाम पे गलत प्रचार कर रहे हैं वो बताओ ना। समझ क्यों दे 5 फसलों में, पहले तो एक चीज कहते हैं आप लोगों के माध्यम से ही कि पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए और फसलों को भी मिलना चाहिए, हमने कहा कि पहले इसी पे कानून बना दो और दूसरी फसलों को ऐड करो, दूध भी ऐड होना चाहिए, मछली मीट अंडा भी ऐड होना चाहिए, नारियल भी ऐड होना चाहिए, लेकिन पहले सरकार जो 23-24 फसलें है उसी को ही कानून बना दो। दिल्ली तो गाजियाबाद से सोनीपत से बनता नजदीक है। हाँ जी देखो हम ये हैं कि SKM की और जो वहाँ की कमेटी है उनकी कोई बातचीत हुई होगी, शायद चंडीगढ़ में मीटिंग इसीलिए रखी कि कोई बातचीत हो और इसका समाधान निकले। ये लड़ाइयाँ लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं, दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी, और वो कितने दिन बाद में मानेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए, अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। हाँ जी बताओ बताओ कहाँ जाओ अभी, ऐसे कैसे जाओगे? हाँ अभी रह रहे। हाँ वो गलत है, कार्रवाई करनी गलत है, और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए, जहाँ एक बार स्टे हो गया वहाँ पर जमना चाहिए, अभी वही लंगर और वो डाल दें सब जमे, और फिर जब बातचीत हो जाना हो। भाई देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी, खास करके देखो पूरा देश पंजाब पर चलता है, हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा, पंजाब की 40 जत्थेबंदी है, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है तो सोनीपत में है, उधर है, UP में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है, यहाँ वाले तो पीछे हैं, पंजाब वाले तो आज बहुत लोग हैं, लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है, तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का, लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है कि अगर इकट्ठे होते तो? बिल्कुल इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है भाई, इकट्ठे हो जाए, सबकी सहमति बन जाए, कब कहां किस बॉर्डर पे किसको चलना है। जो पहले वाला आंदोलन था उसमें SKM इकट्ठा था, पूरा देश का किसान एक था, वहां से हम इकट्ठे आए, दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।